सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी ना जाने कितने अनगिनत झूठ और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाला, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उनको उनपे केस करने की कोशिश की मगर एक महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई गायब हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी।